हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मोनिका कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट बनने वाली चटनी को, जो मार्केट में दही बल्ले, समोसे, बर्गर, टिक्की के साथ मिलती है, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। आज मैं सेम टू सेम वैसी चटनी को घर पर बनाने जा रही हूँ, जो बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए अपनी चटनी बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट खट्टी मीठी चटनी जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए अमचूर पाउडर, अनारदाना पाउडर, काला नमक, चीनी मैंने 200 ग्राम ली है, हींग पाउडर, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, सौंफ जिसे मैंने दरदरा कर लिया है, मगज। चलिए अपनी चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी को बनाने के लिए चटनी का एक मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बाउल लेंगे। अमचूर पाउडर लिया है, यह मैंने 25 ग्राम लिया है, अनारदाना पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, सौंफ 1/2 टीस्पून, काला नमक 2 टीस्पून। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। हींग 1/2 टीस्पून। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी को हमें चलाते हुए डालना है। मसालों को अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें गांठें ना पड़े। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, चलिए इसे पकाते हैं। पैन को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। चटनी के मिक्सचर को डालेंगे। चटनी को हमें 2 मिनट तक अच्छे से चलाना है। चटनी जब हमारी पकने लगेगी तो ये थोड़ी गाढ़ी होने लग जाएगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को भी हमें 10 से 12 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। चटनी हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। लगभग 8 मिनट हो चुके हैं, चटनी हमारी अच्छे से गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज, चाट मसाला, 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, चटनी हमारी तैयार है। देखिए चटनी हमारी कितनी अच्छी बनी है। गैस कर देंगे बंद। चटनी हमारी तैयार है। चटनी को हम 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, चटनी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। चलिए इसे निकालते हैं एक बाउल में। देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी बनी है। जितनी थिकनेस हमें चाहिए थी चटनी में उतनी ही है। लीजिए हमारी इंस्टेंट बनने वाली खट्टी मीठी चटनी तैयार है। इसे मैं एंजॉय करती हूँ समोसों और अपनी फैमिली के साथ। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। थैंक यू।